अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, इस वक्त मैं चकवाल से जो है कटास राज मंदिर पहुंच चुका हूं। हमारे साथ यहां इंतजामिया में से मेरे दोस्त आसिर आबाद साहब हमें हमारे साथ कॉपरेट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम आपको इस बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म भी करते हैं। आप मुसाफिर हैं, इतना दूर से आए तो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो चल रहे हैं, हम मंदिर के अंदर इंटर हो चुके हैं। और अंदर कितना है वो मैं आपको बताता हूँ, हिस्ट्री करें रिकॉर्ड। ठीक है जनाब, ये जो मुकाम है ये दुनिया में दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है हिंदुओं का। हिंदुओं का, हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन जो उनके गॉड हैं जिनको ईश्वर मानते हैं वो टोटल 3 हैं, जिनमें ब्रह्मान, विष्णु एंड शिवा। ये जो स्पेशली मुकाम है, ख़ास मुकाम है, ये शिवा जी का मुकाम है। कहते हैं कि आज से 5000 साल पहले जब उसकी बीवी की डेथ हुई आकाश में आसमान, उसके वो गम में रोए और दो बूंद तीर के गिरे, आंसुओं के गिरे। पहला पुष्कर राजस्थान इंडिया के अंदर और दूसरा इस जगह पे, और दो बड़ी लेक बनी, एक इंडिया में दूसरी इस जगह पे। सही, इस जगह में दो फेस्टिवल होते हैं इस जगह पे, नवरात्रि का दिसंबर के अंदर और फरवरी के फर्स्ट वीक में महाशिवरात्रि का फेस्टिवल होता है जी। काफ़ी तादाद में इंडिया से लोग आते हैं इसके अंदर, वो झील के अंदर स्नान करते हैं, नहाते हैं, कहते हैं हमारे पाप गुनाह वगैरह जो हैं धुल गए। इसके नीचे 5 कुदरती चश्मे थे जो ड्राई हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि पीछे एक फैक्ट्री लगी सीमेंट की जी, जो कमिटमेंट गवर्नमेंट के साथ थी वो ये थी कि ड्राई चेहरे का पानी यूज़ करेंगे, लेकिन उन्होंने खुफिया तौर पर ज़मीन के अंदर बोरिंग की, जिससे इस इलाके का वाटर लेवल जो है वो 400 फीट तक डाउन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर सो मोटो एक्शन लिया और उनको फ़ाइन किया। बेस्ट वे को उन्होंने फ़ाइन अदा कर दिया, लेकिन फैक्ट्री बंद रही। कि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इसको फिल करने का और क्लीन करने का काम जो है वो बेस्ट वे वाले कर रहे हैं, और महकमा मतलू का वक्फ मिलाक बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी मुकम्मल लुकाफ्टर कर रही है। प्रॉपर 24 आवर वो इसको जो है इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ है उन्होंने। जो सारी मैनेजमेंट है वो सारी जो है ETP बोर्ड की है जो लाहौर से, तो अच्छे तरीके से इसकी रेनोवेशन का काम भी जारी है। हिंदुओं के लिए यहाँ पे रहायशें बनाई जा रही हैं, ये महकमा औकाफ की काविश की वजह से सारा कुछ जारी है। तो यहाँ पे महकमा औकाफ ने एक पंडित को भी हायर किया हुआ है जो अपने मजहबी रसूमात अदा करते हैं, जो दूर दराज इलाकों से डेलीगेशन आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी प्रॉपर जो है वो पंडित नेमचंद साहब हैं, वो प्रॉपर अपने मजहबी चीज़ें बताते हैं, उनको अरदास वगैरह कराते हैं। यहाँ पे जो है मंदिरों में पूजा पाठ होती है, वर्शिप होती है। हिंदू लोग जो है वो 3 टाइम अपने यहाँ पे इबादत करते हैं। यहाँ पे लोकल कम्युनिटी बहुत कम है, लेकिन जो दूसरे इलाकों में है, जो सिंध जैसे पाकिस्तान में सिंध और बलोचिस्तान में काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जी। इस पौंड के अंदर वो आके वो स्नान करते हैं, नहाते हैं, कहते हैं हमारे गुनाह वगैरह जो है धुलते हैं। इसका लेवल जो है अभी डाउन है, इसका लेवल जो है 30 फीट लेवल था इसका, जो ड्राई हो गया वो सीमेंट फैक्ट्री की वजह से। अब गवर्नमेंट वर्क कर रही है, जो ही कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी फिर उस पर अमल दरामद किया जाएगा इसको जी जी। मैं आपसे थोड़ा सा कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये दुनिया में कितने नंबर पर आ रहा है? ये सेकंड सेक्रेड हॉलीस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, फॉर दुनिया में दूसरे नंबर पर मुकद्दस मुकाम है। अच्छा, हिंदुओं के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे पहला मुकाम जो है वो मुल्तान है, आप कह रहे हैं किसी और जगह पे? हर द्वार में है जनाब पहला मुकाम उनका जी, दुनिया में वो मुकद्दस तरीन मुकाम है। सही, वहाँ बड़ा सा मेला कुमकुम का मेला लगता है, इसमें 1.5 करोड़ के करीब लोग पार्टिसिपेट करते हैं हिंदू लोग। और दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है, इसका जिक्र जो है वो महाभारत जो रियल स्टोरी है हिंदुओं की, उसमें इसका जिक्र मौजूद है। इस जगह को उसमें कटक शैल और कटक शाह के नाम से पुकारा गया है, और ज़्यादा कसर से बोलने से इसका नाम कटास राज पड़ गया, जिसके मैनी है लफ्ज़ कटास के मैनी है, ये संस्कृत जबान का लफ्ज़ है, इसके मैनी है लाइन ऑफ टीयर, चेन ऑफ टीयर, वीपिंग आइज, रेनिंग आइज, आंसू की लड़ी। इसको शिव महाराज से जो है वो जो आंसू शिव महाराज के गिरे थे जी, उसके साथ अटैच किया गया है। ठीक है, तो ये दुनिया में दूसरे नंबर पर मुकद्दस तरीन मुकाम है कटास। ये गंगा जमुना की तरह का ये है ऐसे ही है, जैसे मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन पानी अब जमजम है, बेशक ये हिंदुओं के लिए मुकद्दस तरीन तालाब है और ये पानी है। इसको हिंदू लोग मुख्तलिफ नाम, इस वक्त इंजाम है टोटल जो है वो मुस्लिम है या नहीं, हिंदू कम्युनिटी भी है भाई, मुस्लिम है सब भाई, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन ETP बोर्ड की तरफ से हूँ, हायर किया हुआ हूँ, तो इसकी जो देखभाल है वो हमारी कौमी फरीजा भी है। जो हिंदू आते हैं वो हमारे भाई हैं, जो सिख आते हैं यहाँ पे, ये 3 मजहब की इकट्ठी जगह है, यहाँ पे हिंदू सिख और गुरमत का मुकाम है। ठीक है, जो आपको दिखा रहे हैं ये हिंदुइज्म है, तो आपको आगे टेंपल की तरफ लेके चलते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर इस जो लेक बनी है इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, इसे अमृत कुंड, हॉली वाटर, चमर कुंड और विश्व कुंड के नाम से पुकारा जाता है। बाद में इसका पानी जो है वो आब शफा के तौर पर हिंदू लोग जो है पूरी दुनिया में लेकर जाते हैं जी। व्यूवर्स, इस बिल्डिंग के अंदर जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, इसके अंदर हनुमान जी का मंदिर है, जिसका ये भाई जो है दरवाज़ा खोल रहे हैं। सबसे पहले हम इसका विज़िट करते हैं। ये जो मकान है ये श्री हनुमान जी का मंदिर है, ये 2400 साल पुराना मंदिर है, 2400 साल पुराना, ये सारा चूने से बना हुआ है। इसके अंदर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये फ्रेस्को पेंटिंग है, ये सन 1100 में की गई थी, 900 साल पुरानी है। ये आम पब्लिक जो आती है अभी इनको ब्लॉक के अंदर रखा जाता है, जो आम लोग आते हैं वो दीवारों पे नाम लिखते हैं, ये पेंटिंग को स्क्रैच करते हैं, इसलिए ओपन इसको नहीं किया जाता। ठीक है, तो सही। अभी आप देख सकते हैं जब हिंदू यात्री आते हैं या सिख वगैरह आते हैं तो उस वक्त ओपन किया जाता है। और ये भी क्या है भाई, 900 साल पुरानी सर, 1100 में इसको किया गया था सर। ये देख सकते हैं इसको रिस्टोर किया था, इसको दोबारा बनाया गया है हमारे हिंदू भाई आके, जिस संदूर वगैरह लगाते हैं, तिरंगा लगाते हैं, यहाँ पे अपनी इबादत करते हैं, इसे जय बजरंग बली के नाम से पुकारा जाता है, हनुमान की गाय के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है,
उस तरफ ज़्यादा रश और इस तरफ कम रश होने की वजह से जी व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे पीछे जो है हनुमान जी का मंदिर है, ये हिंदुओं का मुकद्दस मकाम है, इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करें बाद में जो है खुल के इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे भी। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे पूरे मुसलमानों का जो है वो हिंदुओं के साथ बहुत अच्छा कॉपरेट में देख रहा हूँ। हनुमान जी के मंदिर का विजिट करने के बाद अब हम अपनी दूसरी मंजिल काली माता जहां पे शिवलिंग की इबादत की जा रही है, अपनी रस्मात अदा की जा रही है। ये सामने जो शख्स आपको नज़र आ रहे हैं ये पंडित हैं, वो आपको विजिट भी करवाते हैं। सामने जो आपको स्टोन नज़र आ रहा है इसे शिवलिंग कहा जाता है, इसके पीछे वो काली माता और इसकी जो है मुकम्मल पूजा करके यहाँ पे दूध चढ़ाया जाता है, अपनी मजहबी रस्मात अदा की जाती है, उसके बाद अपनी मन्नतें मानी जाती है। टेम्पल जो है ये श्री शिव जी का टेम्पल है जो 5000 साल पुराना है। 5000? जी जी, ये जो शिवलिंग है जमीन से निकला हुआ कुदरती, ये कुदरती है, इसके 12 पहाड़ हैं। स्टोन होता है, पत्थर होता है, क्या कुदरती स्टोन है जमीन से निकला हुआ, ठीक है, इसे शिवलिंग बोलते हैं। ये 5000 साल पुराना है। 5000? जी जी, इसके 12 पहाड़ हैं, 3 पाकिस्तान में, 3 श्रीलंका में, 3 नेपाल और 3 इंडिया में मौजूद हैं। पाकिस्तान में इसके अलावा एक मानसेरा में और साधु बेला के अंदर मौजूद है। सही। जब हिंदू यात्री आते हैं इसके आगे माथा टेकते हैं, सिंदूर से तिलक लगाते हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट बजाकर भजन गाते हैं। स्पेशली यहाँ पे नारियल फोड़ा जाता है, इस पर स्वीट्स वगैरह फेंकी जाती है, इस पर फ्लावर और स्पेशल खास तौर पर दूध के साथ वॉश किया जाता है। दूध आगे दरख्तों को चला जाता है, जो बे औलाद लोग हैं वो अपनी मनते वगैरह मानते हैं इस जगह पे आके। ये हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया में दूसरा मुकद्दस मुकाम है। पीछे जो आप देख रहे हैं वो शिव जी की मूर्ति है, ठीक है। इनका कोई खास दिन होता है जी इबादत के लिए? जी, नवरात्रि का फेस्टिवल होता है यहाँ पे और महाशिवरात्रि का फरवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर में नवरात्रि और फरवरी के फर्स्ट वीक में महाशिवरात्रि। होली वगैरह का इवेंट भी यहाँ पे दो इवेंट हैं वो होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उसके अलावा भी नहीं होते। सही। क्योंकि सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड है हुकूमत ने करनी होती है, सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। सिक्योरिटी पर्पज़ अभी तो सिक्योरिटी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मतलब मुलाक बोर्ड और हमारे साथ जो इधर पुलिस का महकमा सूबाई वो हमारे साथ काफ़ी कॉपरेट करते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं ताकि कोई मसला ना बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है, महफूज मुल्क है, ठीक है। आप सब लोग आएँ, हिंदू लोग आएँ, मुसलमान आएँ, ये एक पाकिस्तान एक अच्छा बेहतरीन मुल्क है। गुड, बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास साहब ने मुकम्मल जो है हमें हमारे साथ कॉपरेट भी किया, हमें गाइड भी किया और मंदिर के बारे में मुकम्मल बताया भी, दिखाया भी, जो जो चीज़ हम अपने दिल के अंदर ख्वाहिश रख के आए थे देखने के लिए, वो अल्लाह का शुक्र है पूरी हो गई है, इन्फॉर्मेशन भी ले ली है। मज़ीद आगे जो है वो चलते हैं, कुछ और चीज़ें भी आपको विज़िट कराते हैं। मंदिर के मुकम्मल तफसीली विज़िट के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल की जानिब जो है वो रवा है। चलो मासी, बाय बाय, मासी बाय बाय, बाय बाय। हाँ, इनके साथ मेरी दोस्ती होगी थी। जी व्यूवर्स, कलर कहार की दरबार से होते हुए उसके बाद चश्मे पे, और चश्मे से जो है वो हम सफ़र करके आए हैं कटास राज मंदिर, वहाँ का विज़िट कर लिया है, आपको भी उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। कटास राज मंदिर के विज़िट के बाद 4 किलोमीटर आगे चवा सईदन शाह एक दरबार है बुजुर्ग की, वहाँ पर हाजिरी देने जा रहे हैं।